बाबू जी से पहले आपका लाइन रहेगा कि जब पप्पू जी बोलेंगे ना भूख तो हमें भी लग रही है, फिर बाबू जी बोले फिर चल चल बोलेंगे। बाबू जी बोल रहे ये जा खेल के चक्कर में तो जी भूल ही गए थे कि खाना भी बनाने हैं। पप्पू भी अपना पहला वाला लाइन लेना। अरे भूख तो भूख तो हमें भी बहुत तेज लग रही है, खाने के चक्कर में भूल ही गए यार, दाल के चक्कर में भूल ही गए यार कि खाना भी बनाना। भूख तो बहुत ही तेज लग रही है। लगेगी नहीं वो जी, 3 बजने वाले हैं, अब कब बनाएंगे कब खाएंगे। चलो चलो उठो भाई, आप मेरे चिंता मत करो, एहतियात के आस आर भाग लगाते हैं। अच्छा लेके आ तो आया। ओ भैया आज तो इतने दिन के बाद हमको आए। लोग ध्यान से सुनो, हम कछु जरूरी है, अनाउंसमेंट करने वाले हैं। सब लोग आए, पैन कॉफी सूप कॉफी पकड़ के लेके आएंगे। कॉफी एंटर, ये आए बुढ़िया, एक्शन। ये पीछे वाला कैमरा लगा हुआ है, बॉडी ऐसी कर नहीं ना, ये कैमरा वहां पे लगा है। ओके ठीक है, छुट्टी भी होगा, चले गए। ओके डन, कंटिन्यू एक्शन। नाटक शुरू कर दो यार, कोई मूर्खता को ना बनाऊंगा इनको। पहले सुन लिया जाए, पहले सुन लिया जाए, बाकी बात कुछ बोलो जाए। बोलो बोलो बोलो। अपने घर में सब लोग तना चिड़े चिड़े रहते हैं, चिड़े चिड़े से लगा था। अपने घर में सब लोग तना चिड़े चिड़े से लगा था, है ना, सर दे रहा, सबके चेहरे ऐसे जाना, अपने घर के ना सबरे इतना चिड़े चिड़े रहते थे। हाँ, अपने घर में सब चेहरे तना चिड़े चिड़े, सब लोग सब पे एक चिड़े चिड़े रहते हैं, हंसते हंसते कम है। और अब मैम सोचेंगी हम निकलना है या निकलेंगी, बोले नोटिस और ये एक बार फिर से दे दो, क्यों इस बार सुन लेते हैं। एक्शन, बात हो गई है कि बाबू हेलो स्टार्ट में हमने जो स्टोरी की है गुल्लक, ये बड़ी ही सुंदर कहानी है। तो इसमें ये कहानी में ये एक पार्ट था उसमें कि भाई जो भी घर के काम करेगा वो गुल्लक में पैसे डालेगा उस काम के, मतलब दूसरे लोग उस काम के पैसे डालेंगे। तो बेसिकली ये तो एक ऊपरी कहानी थी, इसका बेसिक जो अगर हम इसकी आत्मा को छुए तो वो आत्मा इसकी ऐसी थी कि जो हर घर की माँ होती है उसके पास एक गुल्लक होती है, उस गुल्लक में वो सबके हिस्से के पैसे डालती है, मतलब सबके हिस्से के काम डालती करके उसमें डालती रहती है, वो अपने को चुकाती है, अपने खुद को वो उसमें खर्च करती है, क्योंकि बाकी लोग आराम से मतलब बैठ पाए, आराम कर पाए, रेस्ट कर पाए। वो पूरी जिंदगी काम करती है, वो कभी किसी को कुछ जताती नहीं है, बताती नहीं है। हम ही आप अगर हमसे बात करें तो हम सबसे ज्यादा जो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो अपनी माओं को ही लेते हैं कि मम्मी तो कर ही लेंगी, तो किसी दिन वो नहीं करती है। हमने बचपन से उनको इतना करते हुए देखा है सारे काम कि नहीं करती तो हमको उन पर गुस्सा आने लगता है। तो ये कहानी उसी बारे में है कि भाई वो भी माँ है, उसका भी मतलब इंसान है, उसका शरीर दुखता होगा, किसी दिन उसको तकलीफ होती होगी। एक जो गुल्लक उसने हमेशा के लिए आपके पास रख रखी है, आपके लिए रख रखी है, उसको उसका फायदा ना उठाएं।
सब उस गुल्लक में बराबरी से हिस्सेदारी मतलब लें तो वो लंबे समय तक आपके पास उस गुल्लक के साथ रह पाएगी, क्योंकि बहुत सुंदर गुल्लक होती है। माँ जो करती है वो कोई नहीं कर सकता, ये कहानी है। थैंक यू।